संघर्षी जिंदगी का नाम है पुष्पा। एक नारी अकेले ही बच्चों के साथ जिंदगी हंसी खुशी जी रहा था। अचानक दिलीप नाम के जो क्रिमिनल पति जो छोड़ के भाग गया था, फरार हो गया था, वो अचानक आ गया है। एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है, जो अपने बच्चों को कभी बताया नहीं कि सब बाप जिंदा है। अचानक मिला भी तो इस मोड़ पर मिला जो हंसी भरी जिंदगी जी रही थी। अचानक वो काल वो चार आ गया। अब करे क्या, आंखों में आंसू को घुट घुट कर पी रही है पुष्पा। रिक्शा में जा रही है अपनी बेटी को मिलने के लिए, समझाने के लिए कि दिलीप नाम के व्यक्ति से मेरा पीछा छोड़ा हो, अपने जिंदगी में रुखा सुखा जैसे चल रहा जिंदगी में जी लूंगा। तुम्हारा NRI बाप मतलब सौतेली बेटी को समझाने जा रहे हैं, अब NRI बाप को समझाओ कि मेरी जिंदगी में दोबारा दखल ना दे। लेकिन उधर अपने बेटी जो है अपने बाप से बहुत प्यार करता है, कैसे भी अपना जेल से भागा हुआ बाप को कैसे भी इलाज कराना चाहता है। करे तो करे क्या करे, पुष्पा इम्पॉसिबल ने टर्न ट्विस्ट इतना प्यारा आ चुका है कि आप लोग देखो तो नजर नहीं हटते। इस शो में एक नारी के संघर्ष की कहानी है जो किस तरह एक मर्द ना होने के बाद भी एक औरत अकेला घर चला सकती है, बच्चों को पाल सकती है, अपनी जिंदगी जी सकती है, ये कहानी है। अब होगा क्या आगे, टर्न ट्विस्ट ये होगा कि उधर बेटी भी कार से निकल, देखो बेटी की नाम ले बेटी हाजिर होगी, बेटी भी बात कर रहे अपने भाषणी से कि माँ से मिले, समझाएं जैसे भी है मेरा पापा है, खून का रिश्ता है हम लोगों को, और हमें मदद करो, हेल्प करो, माँ से मिलना चाहते। हेलो अश्विन, प्लीज मीट मी अर्जेंटली, आई नीड टू टॉक टू यू। जाओ